दोस्तों, दी ग्रैंडिया चैनल में सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट तक पहुंच सके। और नीचे ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया, जल्दी से ग्रैंडिया चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा इफेक्ट्स के ऊपर है कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि मेरे पास प्रीमियर प्रो तो है लेकिन जो उसके अंदर इनबिल्ट इफेक्ट्स हैं बहुत कम है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मतलब अपने प्रीमियर प्रो के अंदर इफेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, नए इफेक्ट्स को, और उसे यूज कैसे करेंगे आपके आपको आज के ट्यूटोरियल में आपको वो बताऊंगा। अगर दोस्तों इफेक्ट्स की बात करें, सारा डाटा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप सारे इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी 70 से 80 इफेक्ट्स हैं। आप ये सारे डाउनलोड कीजिए जो कि ग्रैंडिया की वेबसाइट पे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वो पूरे के पूरे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट करने हैं प्रीमियर प्रो के अंदर और किस तरह से यूज करने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आप एक इफेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो इफेक्ट्स डाउनलोड किए पूरा फोल्डर आपको इस तरह से मतलब मिल जाएगा जिसके अंदर 23 आइटम्स हैं। और बताना चाहता हूं दोस्तों 23 आइटम मतलब ये 23 इफेक्ट्स नहीं है, कम से कम एक मतलब जो प्रीसेट के अंदर 6 से 7 इफेक्ट हैं। तो जैसे अलग अलग है, एक प्रीसेट के अंदर 6 से 7 इफेक्ट्स हैं। इसको इंपोर्ट कैसे करना है, जैसे आपके पास ये आ जाएंगे तो आपने कंट्रोल ए सी सभी को कॉपी कर लेना है। अपने जो सी के अंदर जाना है, जो जहाँ पे हमारी विंडो होती है, सी के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको दिखेगा प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे जाना है अडोब, अडोब के अंदर यहाँ पे जो भी आपका प्रीमियर प्रो है उसके अंदर जाना है, प्रीमियर प्रो सीसी 2019। यहाँ पे आपको जो भी प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लगइन्स, इसको ओपन करना है। सबसे ऊपर दिखेगा आपको कॉमन, इसके अंदर जाना है। यहाँ पे दिखेगा इफेक्ट्स प्रीसेट, इसके अंदर जाना है दोस्तों। तो जैसे कुछ को इनबिल्ट इफेक्ट्स हैं पड़े हुए हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे, मतलब सारे इफेक्ट्स को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और कंटिन्यू। तो सारे इफेक्ट्स हमारे आ चुके हैं, रिफ्रेश करना है और अपने प्रीमियर प्रो को ऑफ करके ऑन करना है। मैं फिलहाल बंद करके दोबारा चलाता हूं, कट करने के बाद दोबारा ओपन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा प्रीमियर प्रो है जो दोबारा ऑन हो चुका है। अपने जो प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिस पे आपने काम करना है। तो बताना चाहता हूं दोस्तों आपका जो इफेक्ट्स पैनल है, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपका जो प्रीसेट है यहाँ पे सारे मतलब देख सकते हैं, ग्लिच 1 2 3 4 5, फिल्म रोल 1 2 3 4 5 6 7 और काफी ये आ चुके हैं। चुंगदा प्रीसेट देख सकते हैं, ऑरेंज 83 के इफेक्ट्स, ये सब इफेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। वो भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो मेन इफेक्ट है सबसे पहले हम यूज करेंगे 1 FPS, ये भी आपके पास मिल जाएगा। जैसे 1 FPS का काम क्या है, फ्रेम ब्लॉक करना। जैसे आपके पास कोई भी प्री वेडिंग है या कोई भी शॉर्ट्स है, जब हाईलाइट है उसको प्ले करेंगे तो आपको एक फ्लिकर देना है, फ्रेम ब्लॉक करना है। तो आप अपने वीडियो के अंदर यहां से आपने क्या करना है, इसको इफेक्ट को उठाना है। तो यहां पे आप जहां पे भी अपने क्लिप पे यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर रखेंगे। अब प्ले करके देखते हैं, मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अभी इसे रिमूव कर देता हूँ। देख सकते हैं जितने पार्ट पे आप ये चाहते हैं उतने पार्ट पे ही लगेगा ये। मैं चाहता हूँ यहाँ से लास्ट तक लगे, यहाँ से मैं कट करूंगा और अपनी इतने पार्ट पे ये इफेक्ट को यूज करूंगा। दोस्तों अब प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये इफेक्ट हमारा फर्स्ट इफेक्ट यूज हो चुका है। तो दोस्तों दूसरा है जो इफेक्ट है, ग्लिच इफेक्ट है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके साथ साउंड इफेक्ट्स भी हैं। ये फोल्डर आपका साउंड इफेक्ट्स का भी होगा, आप यहां से कोई भी साउंड इफेक्ट उठा के अपने जो इफेक्ट यूज किया उसके नीचे आप अपना रख सकते हैं। अब मैं प्ले करके दिखाता हूं थोड़ा। Thank you.
इसके अलावा दोस्तों और भी इफेक्ट्स हैं अपने पास, जैसे आप लगा लीजिए टू वर्टिकल ब्लर, टू वर्टिकल, ये फेमस इफेक्ट्स बता रहा हूँ आपको। इफेक्ट्स तो बहुत हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर इफेक्ट बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे टू वर्टिकल ब्लर को उठाएंगे तो ये इफेक्ट देख सकते हैं। ये टू वर्टिकल ब्लर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी प्रीसेट्स मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं लोगो के हैं, अगर आप कोई भी लोगो बनाना चाहते हैं उसके लिए हैं इफेक्ट्स। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि जैसे ऑरेंज 83 के भी आपके पास इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, ब्लर है, जूम इन टू आउट है, तो देख सकते हैं। जैसे इफेक्ट्स में जूम का यूज़ कर रहा हूँ मैं, सपोज कीजिए ये क्लिप चेंज हो रहा है यहाँ से, मैं अभी दोनों से रिमूव कर देता हूँ, अभी जो पहले इफेक्ट्स यूज़ किए हैं। ओके, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जूम सर्च करना है, जूम, तो आपके पास काफी इफेक्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपने यूज करना है जूम इन, और यहाँ पे यूज करना है जूम आउट, तो देख सकते हैं दोस्तों आप कुछ इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके नीचे साउंड इफेक्ट भी रख सकते हैं। और भी साउंड इफेक्ट्स हैं, तो जैसे ये वन और जैसे ये टू रख लीजिए, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे आप पैन का लगाएं तो स्लाइड स्लाइड आ गया डाउन अप, जैसे ये आ गया पैन, स्मूथ पैन, स्लाइड लेफ्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों यूज करने का जो तरीका है, पहले मैं दूसरे वाले रिमूव कर दूं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों, अभी कोई इफेक्ट नहीं है। आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में आना है और 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम कट लगाएंगे, और फिर सेंटर से आना है 1 2 3 4 5, यहाँ से आपने कट लगाना है, और दोनों क्लिप को नेस्ट कर देना है दोस्तों। नेस्ट करने से ये एक क्लिप बन जाएगा, और इसके ऊपर रखना है स्मूथ पैन विप, इससे जैसे उठाएंगे यहाँ पे आप रख देंगे दोस्तों। अब इस इफेक्ट को प्ले करके दिखाता हूँ, तो इसे रेंडर करना पड़ता है दोस्तों। रेंडर करेंगे हम, क्योंकि ये रेड हो चुका है एरिया जो देख रहे हैं, अब ग्रीन हो गया, तो मैं अब प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों वहां से। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट्स काफी हैं, आप एक एक इफेक्ट यूज करके देख सकते हैं, काफी फोल्डर्स बने आ चुके हैं, तो आप सारे इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रेंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इससे भी अच्छे ट्यूटोरियल ला सकूं। पूरा डाटा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इंपोर्ट करना आप लोगों को बता दिया कहाँ से इंपोर्ट करने हैं। प्रीमियर प्रो को बंद करके ऑन करना है, ऑन करते ही आपके पास इफेक्ट्स पैनल के अंदर आपका जो प्रीसेट का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके अंदर आपके सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।